रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव द्वारा इन पर कानूनी कार्रवाई किए जाने वाले बयान पर कहा, चेयरपर्सन साहिबा जब भी कोर्ट बुलाएंगी तारीख पर आने को तैयार हैं और चेयरपर्सन की धमकियों से हम डरने वाले नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार पर बरगलाने का कार्य कर रही है चेयरपर्सन। नगर परिषद में हुआ है रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार, इतना ही नहीं चरम पर है प्रदेश में भ्रष्टाचार। विधायक चिरंजीव राव की इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ चाय पर चर्चा करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग में हो गया 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, अगर नगर परिषद रेवाड़ी में सहकारिता विभाग की निष्पक्ष हो जांच तो सामने आ सकता है बड़ा महाघोटाला। रेवाड़ी में राजनीतिक संरक्षण के चलते खूब फल फूल रहा है अवैध प्रोटीन का धंधा, राजनीतिक रसूख के चलते नहीं होती कोई कार्रवाई, एक बड़े नेता का भू माफियाओं को मिल रहा है संरक्षण। उन्होंने छात्रों की सुनी समस्याएं 20 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही। विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। देखिए, हम तो कह रहे हैं जितने भी भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं उसके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। सहकारिता विभाग के अंदर भी जब 100 करोड़ का केवल मात्र 2-3 जिलों में निकल कर आया है, पूरे प्रदेश में जब इसको निकल कर आएगा तो कई हजारों करोड़ में ये जाएगा। इसी तरह से नगर परिषद का मामला है, आए दिन हम लोग देखते हैं कि सरकारी ज़मीन के ऊपर प्राइवेट लोग कब्जा करने लग रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बॉयज़ कॉलेज जहां गर्ल्स कॉलेज चल रहा था वहीं पर ही एक प्राइवेट कंपनी को सरकार की तरफ से दिया गया और वो तो लोगों का और हम सब का दबाव रहा, वो ज़मीन वापस हो गई। मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अगर ये लोग नहीं करते आने वाले समय में, जब हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी उसके ऊपर हम लोग इसको करेंगे। और आज के समय में बेरोज़गारी आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी समस्या है। आज अग्निवीर जो इन्होंने लागू किया है उसके विरोध के अंदर भी हम लोग पूरे प्रदेश में NSY कार्यक्रम कर रही है, उसकी भी आज शुरुआत हमारे प्रदेश अध्यक्ष अविनाश जी ने किया है, उसको भी हम बूथ स्तर तक लेकर जाएंगे। अवैध कॉलोनियों का यहाँ पर लगातार निर्माण हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, क्या कहेंगे कि किस प्रकार से इस गोरख धंधे को रोका जा सकता है? देखिए, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि रेवाड़ी के अंदर कितना भारी भ्रष्टाचार है, अनियमित कितनी कॉलोनियाँ हैं जिनको पहले बसाया जाता है फिर उनको नियमित कर दिया जाता है, और पुरानी जो इतनी कॉलोनियाँ हैं जो 20-25 साल है उनको नियमित नहीं करा जा रहा। कहीं कहीं सरकार अपने चहेतों को संरक्षण देने का काम कर रहा है और भारी भ्रष्टाचार आज प्रदेश के अंदर है। आप लोगों ने भी देखा होगा 2 दिन पहले यहाँ से जो सहकारिता मंत्री है उनके विभाग के अंदर भी करीबन 100 करोड़ का घोटाला निकल कर आया है, तो ये दर्शाता है कि कितना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर है। पिछले दिनों में नगर परिषद में आप लोगों ने देखा होगा कि रोज आए दिन नए नए घोटाले उजागर हो रहे हैं, सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने का काम नगर परिषद में बैठे हुए लोग करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में और रेवाड़ी में है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए थे नगर परिषद पर, तो उन्होंने कहा कि वो विधायक पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैंने तो कहा है हमारी जो चेयरमैन साहिबा हैं जब भी कोर्ट में बुलाएंगी तारीख के ऊपर मैं आने के लिए तैयार हूँ, पर हम सच से कभी झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है ये पूरा शहर जानता है, आप लोगों ने भी सेक्टर 3 और 4 की रोडें देखी हैं, हमने नहीं पूरा शहर आज बोल रहा है कि भारी भ्रष्टाचार उसके अंदर हुआ है। शहर में कहीं भी आप चले जाइए वो कह रहे हैं हमने 100 करोड़ रुपये लगाए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, उन पैसों का हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ लगाया। उन्होंने जो कुत्तों की नसबंदी करी उसके अंदर इन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए, उसका हिसाब किताब नहीं दिया, केवल मात्र 3-4 फोटो दिखाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे लोग बरगलाएंगे ना हम डरेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कानूनी कार्रवाई वो मेरे ऊपर करेंगी, महिला आयोग जाएंगी, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है मेरी तरफ से, वो जाएं हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, पर हम चुप रहने वाले नहीं हैं और अपनी आवाज़ को कहीं भी हम दबने नहीं देंगे। तो पक्ष जांच कराई जा सके, जैसे दूध का दूध पानी का पानी हो सके? देखिए, हम तो कह रहे हैं जितने भी भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं उसके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। सहकारिता विभाग के अंदर भी जब 100 करोड़ का
केवल मात्र 2-3 जिलों में निकल कर आया है, पूरे प्रदेश में जब इसको निकल कर आएगा तो कई हजारों करोड़ में ये जाएगा। इसी तरह से नगर परिषद का मामला है, आए दिन हम लोग देखते हैं कि सरकारी ज़मीन के ऊपर प्राइवेट लोग कब्जा करने लग रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बॉयज़ कॉलेज, जहां गर्ल्स कॉलेज चल रहा था वहीं पर ही एक प्राइवेट कंपनी को सरकार की तरफ से दिया गया, और वो तो लोगों का और हम सबका दबाव रहा, वो ज़मीन वापस हो गई। मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अगर ये लोग नहीं करते आने वाले समय में, जब हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी उसके ऊपर हम लोग इसको करेंगे। और आज के समय में बेरोज़गारी आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी समस्या है। आज अग्निवीर जो इन्होंने लागू किया है उसके विरोध के अंदर भी हम लोग पूरे प्रदेश में NSY कार्यक्रम कर रही है, उसकी भी आज शुरुआत हमारे प्रदेश अध्यक्ष अविनाश जी ने किया है, उसको भी हम बूथ स्तर तक लेकर जाएंगे। ठीक,